हमारी लिस्ट का जो पहला स्टॉक है मात्र 52 पैसे का है। लेकिन इस स्टॉक के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं जो है इस स्टॉक को बाय नहीं कर पा रहा, प्लीज़ मुझे लिंक प्रोवाइड करिए। सो गाइस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लिंक मैं सिर्फ उन लोगों को दे पाऊंगा जो मुझे कमेंट में डिटेल्स वाइज बता सकते हैं कि वो किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर रहे हैं। लाइक ग्रो के लिए जो है अलग लिंक है, एंजल ब्रोकिंग के लिए अलग लिंक है। तो आपको जो है स्टॉक जोन सा बाय नहीं हो रहा उसके नाम के साथ आप कौन से प्लेटफॉर्म पे बाय कर रहे हैं आपको ये भी कमेंट करना है, तब जो है मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। बाकी जो हमारा पहला स्टॉक है उसका प्राइस की बात करें तो 52 पैसे का देखने को मिल रहा होगा, जिसके अंदर प्रीवियस क्लोज से आपको 4% की तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहली बात, इस स्टॉक को जो है मैंने काफ़ी पहले सजेस्ट किया था, करीब 1-1.5 महीने पहले ही, जब ये स्टॉक जो है करीब करीब 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। लाइक अब 5 डेज के रिटर्न्स की बात करें तो करीब 18% के देखने को मिलेंगे। एक मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 79% के रिटर्न बनाकर दे दिए। लाइक अभी देखोगे तो अभी 15-20 दिन पहले ही स्टॉक जो है करीब 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। एंड मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इस लेवल पर अगर आप बाय कर लेते हो तो काफ़ी बड़े मल्टीबैगर रिटर्न जो आपको भविष्य में देखने को मिल जाएंगे। सो डेफिनेटली अभी भी जो है एक मौका है इसके अंदर बाय करने का। NBFC सेक्टर का जो है स्टॉक है जो कि फाइनेंशियली जो है लगातार ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान दो तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है 680% के जो है जंप देखने को मिलेंगे। सो स्मॉल कैप की कंपनी है लेकिन जिसके अंदर पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है कि भविष्य में आपको कम से कम भी जो है लार्ज कैप के मुकाबले जो है एक उससे भी बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। एंड इस स्टॉक की बात करें तो इसको मैंने पर्सनली जो है बाय किया हुआ है। जब मैंने आपको सजेस्ट किया था करीब 30 पैसे के आसपास, तभी जो है मैंने इसको बाय किया था। एंड एक अच्छे खासे रिटर्न जो है मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेकिन अभी जो है इसको मैं और भी होल्ड करने वाला हूँ। अभी इसका नाम देख लीजिएगा, इस गोल्ड लाइन इंटरनेशनल फिनवेस्ट लिमिटेड कंपनी का नाम है, जो कि एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न के साथ जो है एक स्टॉक साबित होने वाला है अगर आप इसके अंदर बाय करके पेशेंस रख लेते हैं। सो अभी चलते हैं अपन अगले स्टॉक की तरफ। सो गाइस, अगला जो स्टॉक है मात्र 63 पैसे के आसपास देखने को मिलेगा, जिसके अंदर प्रीवियस क्लोज से देखोगे तो 3 पैसे के साथ जो है 5% की तेजी देखने को मिलेगी। एंड रिटर्न के मामले में कंपनी काफ़ी शानदार रही है। लाइक 5 दिन के चार्ट की बात करें तो 16% का रिटर्न है। लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 50% का जो है इसके अंदर रिटर्न देखने को मिलेगा। लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ के अंदर जो है स्टॉक ने करीब करीब 200% का जो है काफ़ी शानदार रिटर्न बनाकर दे दिया है। एंड लास्ट 1 ईयर की बात करें तो यही रिटर्न जो आपको 231% के आसपास देखने को मिलते हैं। सो रिटर्न के मामले में कंपनी काफ़ी अच्छी खासी और काफ़ी कम कीमत पर मिल रही है। लाइक अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो एक समय पर स्टॉक जो है 6 रुपये के आसपास गया था। एंड जिस हिसाब से यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके अंदर अगर आपने इस लेवल पे भी बाय कर लिया एंड ये अपने लाइफ टाइम के हाई तक गया तो आपको काफ़ी बड़ा मल्टीपल रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि करीब करीब आपका पैसा 12 से 15 गुना कर सकता है। एंड गाइस, इस स्टॉक को जो है पर्सनली मैंने आज के दिन ही बाय किया है, मतलब कि फ्राइडे की मार्केट में जो है इसको बाय किया था लास्ट। एंड अभी जो है मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर और भी क्वांटिटी बाय करने की। मैंने जो इसके अंदर 80,000 क्वांटिटीज के जो ऑर्डर लगाए थे, जिनमें से जो है मेरे 20,000 का जो है सक्सेसफुल हुआ है एंड 60,000 का जो है अभी कैंसिल हो चुका है। तो डेफिनेटली मुझे इसके और शेयर चाहिए ताकि मुझे एक अच्छे खासे प्रॉफिट मिल सके शॉर्ट टर्म के अंदर ही। बाकी स्टॉक का नाम देख लीजिएगा, इस BSL इन्फोटेक लिमिटेड, ये जो है आपको इंडियन इन्फोटेक के बराबर जो है तेजी से भागता हुआ दिखाई देने वाला है और काफ़ी अच्छे खासे टारगेट्स जो है इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। बाकी चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। सो गाइस, अगला जो स्टॉक है 61 पैसे के आसपास देखने को मिलेगा, जिसको मैंने अभी हाल फिलहाल में ही जो है करीब पिछले वीक ही बाय किया है करीब 50 पैसे के आसपास। और इसके ऊपर मैंने आपको अपडेट भी दिया था कि इसको बाय कर लो एंड स्टॉक के अंदर रिट्रेसमेंट खत्म हो गई एंड वापस से जो है स्टॉक ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा। सो रिटर्न के मामले में देखोगे तो कंपनी पिछले 5 दिनों के अंदर जो है कंपनी ने करीब करीब 15% के रिटर्न बना कर दिए हैं। लास्ट 1 मंथ के अंदर देखोगे तो 10% के रिटर्न है रिट्रेसमेंट के साथ। एंड 50 पैसे के आसपास आते ही मैंने आपको इसके अंदर बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था एंड उसके बाद देख सकते हो स्टॉक ने काफ़ी अच्छे खासे जो है ग्रोथ दिखाए हैं। लास्ट 6 मंथ के रिटर्न की बात करें तो 27% के और काफ़ी बड़े जो है इसने अभी देखोगे तो रिट्रेसमेंट लिए। ठीक है, अभी जो मूवमेंट यहाँ से बनती दिखाई दे रही है, अगर यहाँ से ये 2 ब्रेकआउट हो जाते हैं
तो इसके टारगेट जो है अपने बाउंड्री हाइक के बाद जो है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे दिखाने वाला है। फार्मा सेक्टर का एक पेनी स्टॉक है जो कि काफी ज्यादा डिमांड में रहा है अभी पिछले कुछ दिनों से। लास्ट वन ईयर के रिटर्न की बात करें तो करीब 177% का रिटर्न दिया है, एंड वहीं इसके डाउन टू हाई की बात करेंगे तो यही रिटर्न जो है आपको करीब करीब 477% के देखने को मिलेंगे लास्ट 8 मंथ के अंदर ओनली। तो डेफिनेटली रिटर्न के मामले में कंपनी काफ़ी शानदार रही है और इन्हीं वजह से जो इसके अंदर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला है। सो कहीं ना कहीं आपको एक कंपनी वापस से ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, एंड इसका चार्ट पैटर्न आप देखकर समझ ही गए होंगे मैं भी किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। और जिस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत अच्छी खासी तेजी जो है आपको शॉर्ट टर्म के अंदर ही दिखा सकता है ये स्टॉक, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला है। सो फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ बायोजन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, एंड काफ़ी अच्छे खासे टारगेट जो है मेरे हिसाब से इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं आगे अभी कुछ दिनों के अंदर। सो डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए ऐड कर सकते हैं, एंड पर्सनली जो है स्टॉक को मैंने बाय कर रखा है, एंड 55,000 शेयर्स जो हैं इसके मेरे पास अभी भी हैं, एंड आगे जो है मौका मिलेगा तो मैं इसके अंदर और भी ज़्यादा बाइंग करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। सो गाइस अगला जो स्टॉक है 70 पैसे का देखने को मिल रहा है, जिसके रिटर्न के मामले में बात करें तो 7-8% की तेज़ी के साथ जो है आपको रेगुलर बेसिस पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट 5 डेज के रिटर्न की बात करें तो 40% के रिटर्न है, लास्ट 1 मंथ की बात करें तो 250% के रिटर्न जो है कंपनी ने मात्र 1 महीने के अंदर बनाकर दिया है। सो ये भी जो 70 पैसे का स्टॉक है ये आपको जो है करीब करीब 0.28 पैसे के अंदर भी जो है मिल जाएगा अगर आप इसको BSE के अंदर बाय करते हैं। सो अभी मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ आप इसका नाम देख लीजिए, सबसे पहले MPS इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड, एंड बहुत से लोग जो इसे विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। सो डेफिनेटली अगर आप NSE के अंदर बाय करते हो तो ये 70 पैसे का प्राइस है, एंड BSE के अंदर बाय करते हो तो इसका प्राइस जो है अभी 28 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि आपको इसके हाफ के भी हाफ रेट पे देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली स्टॉक को अगर आप बाय करते हो तो रिटर्न के मामले में कंपनी काफ़ी शानदार रहेगी, और 2022 का जो आने वाला है ये सबसे बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित होने वाला है, जिसकी मेरे पास करीब करीब 1 लाख क्वांटिटी अभी भी है प्रॉफिट होने के बाद। मतलब कि मैंने एक अच्छी खासी क्वांटिटी इसके अंदर बाय की थी, एंड अपना कैपिटल जो है मैंने इसके 60 पैसे के आसपास आनते ही मैंने इसके अंदर सेल करके अपना कैपिटल निकाल लिया, एंड अभी भी जो है मेरे पास 1 लाख शेयर जो हैं पड़े हुए हैं प्रॉफिट के साथ, और उसको मैंने लंबे समय के लिए छोड़ दिया है, एंड जितना भी प्रॉफिट होता है या जितना भी नुकसान होता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो स्टॉक के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं MPS इन्फोटेक्निक्स या फिर बात करें विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड। बाकी चलते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ। सो गाइस हमारा अगला स्टॉक जो है 96 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है, एंड जितने भी मैंने स्टॉक बताए इनकी वैल्यू जो है 1 रुपये से नीचे देखने को मिल रही है, एंड इनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको करोड़ों रुपये का फायदा हो सकता है अगर आपने पेशेंस बनाकर रखा। ठीक है, पेशेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर देख सकते हो प्रीवियस क्लोज से आज भी जो है करीब 4.5% की तेज़ी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 4 पैसे की जो है उछाल देखने को मिल रही है। लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो स्टॉक ने करीब 24.5-25% का काफ़ी शानदार रिटर्न बनाकर दिया है मात्र 5 दिन के अंदर, एंड 1 मंथ की बात करें तो 28% का रिटर्न जो है आपका रिट्रेसमेंट के बाद देखने को मिल रहा है। 6 मंथ की बात करें तो स्टॉक का जो हाई है करीब 1.5 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, और वहाँ से स्टॉक ने काफ़ी बड़े जो है रिट्रेसमेंट ले लिए हैं, एंड अभी देख सकते हो स्टॉक ने जो है फर्स्ट एंड सेकंड ब्रेकआउट करके जो है एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो डेफिनेटली यहाँ से जो टारगेट्स हैं इसके बाउंड्री हाई के आसपास जाते हुए दिखाई देंगे, जो कि इसने 1 साल के अंदर बनाए हैं। ठीक है, एंड इस लेवल के आसपास जो है पॉजिटिविटी रही स्टॉक के अंदर तो इसके टारगेट जो आपको काफ़ी शानदार देखने को मिलेंगे। मीडिया सेक्टर का स्टॉक है, एंड अभी हाल फिलहाल में जो है ये अपने OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अगर लॉन्च होते ही जनवरी में इसका जो शेयर वैल्यू आपको काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा, एंड जैसे कि मैक्सिमम चार्ट देख सकते हो एक टाइम पर स्टॉक जो 140-150 रुपये के आसपास चला गया था, सेम वैसे ही मूवमेंट जो है आपको वापस से यहाँ देखने को मिलेगी, और ये काफ़ी बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक जो है आपको साबित होता हुआ दिखाई देगा शॉर्ट टर्म के अंदर ही। सो डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हो। मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ GB फिल्म्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, काफ़ी बढ़िया जो है अभी इसने रिजल्ट दिए हैं हाल फिलहाल में, और जो प्लान्स लेकर आई है OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, सो कहीं ना कहीं इसके बाद एक शानदार तेज़ी जो है इसके अंदर देखने को मिल सकती है। सो अगेन मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, जो भी स्टॉक आप बाय नहीं कर सको आप जो है कमेंट करना कौन सा स्टॉक बाय नहीं कर सकते और किस प्लेटफॉर्म पे आप बाय करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि मैं आपको एक इजीली जो है वे बता सकूं बाय करने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।